हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इटनाउ स्वदेश पर। गुरुवार के दिन स्पेशल शो में आपसे मुलाकात हुई थी, आज सुबह फिर से हम आपसे बात कर रहे हैं। जिस तरह से सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए बनते हुए दिख रहे हैं, FIIs की खरीदारी वापस लौटती हुई दिखी है, सेंटिमेंट ग्लोबली अभी मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव है, भारतीय बाजार के लिए हफ्ते की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी, दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए, वो ये है कि अभी चाइना में जिस प्रकार का कोरोना वायरस स्प्रेड हो चुका है और काफ़ी सिटीज़ में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस, जब पिछले बार कोविड हुआ था तभी कमोडिटी प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से गिरे थे, तो मेरे ख्याल से अगर मामला थोड़ा सा और बिगड़ता है चाइना में कोविड को लेके, तो हो सकता है कि कमोडिटी में प्राइसेस घटे और इससे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट इंडियन जो कंपनीज है इनके लिए अच्छा रहे, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड शूट अप हुई थी। दूसरी बात, क्रूड वापस $110-$111 हो चुका है, तो ये अगेन एक थोड़ी सी चिंता की बात है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हमारे मार्केट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल का, वो हमको शायद मार्च के क्वार्टर में नहीं बट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में जरूर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ब्रॉड मार्केट की बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिले। जो तेजी हमने पिछले हफ्ते देखी थी वो शायद थोड़ी सी उसको ब्रेक लग सकता है और थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज आपको मार्केट्स में आने वाले 3-4 दिनों के लिए देखने को मिलेगा। ऑलराइट अविनाश, लेकिन आप मारुति सुजुकी के इस न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं? जाहिर तौर पर सारी ऑटो कंपनीज जो है वो अपनी डिपेंडेंस कहीं ना कहीं ऑयल एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे करना चाहती है, CNG पर उनका फोकस उन्होंने पीछे कहा था, लेकिन अब जिस तरह से वो EV मार्केट को लेकर अब बड़े जो प्लान्स अपने अग्रेसिव बता रहे हैं, डोंट यू थिंक कि इस पूरी कड़ी में कहीं ना कहीं मारुति ने सबसे लेट प्लान्स अनाउंस किए EV के? प्रियंका, आपने सही कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके मारुति का जो पहले रवैया था वो काफी कंजर्वेटिव था। इनफैक्ट इनके चेयरमैन जो मिस्टर भार्गव है, उन्होंने पहले कहा था कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो कल अनाउंसमेंट आई है, करीबन 10,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट मारुति की सब्सिडरीज इंडिया में लगाएंगे, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज है। फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियाँ मारुति इंडिया में बनाएगा, और डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है आने वाले 3-4 सालों में, यहाँ पे जरूर मारुति जिस प्रकार का मार्केट शेयर उनका नॉर्मल जो जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स में, वो लगातार हम समझते हैं कि पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 45,000 करोड़ की कैश है, तो इनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करने में और पे बैक के लिए वेट करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि ये लेट कमर जरूर है, लेकिन हमको लग रहा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बढ़ी और आज शायद ये न्यूज के कारण हमको शायद थोड़ी सी अपटेक स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अविनाश जी, सेक्टर स्पेसिफिक और आप बोल रहे हैं, आज बता रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे नजर आएंगे, तो फिर आपकी तरफ से सेक्टर्स आपके कौन से चुनिंदा हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन? इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले सेशन में गुरुवार के दिन IT को छोड़ तमाम सेक्टर्स में अच्छी तेजी थी, आज हमारे पास IT के लिए एक्सेंचर के रिजल्ट भी हैं जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर्स आपके हिसाब से कौन से होंगे, स्टॉक्स क्या बताएंगे? मानसी, सेक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली IT इसमें फिगर आउट होगा, क्योंकि एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस भी अच्छी तरह से बढ़ाई है, नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आज फ्रंटलाइन कंपनीज जैसे TCS, HCL Tech, इंफोसिस पे आना चाहिए। हमको लग रहा है कि जो जैन टू मार्च का क्वार्टर भी रहेगा वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। दूसरे जो सेक्टर्स हमको पसंद है वो बेसिकली एथेनॉल वाली कंपनियाँ हैं, जिस प्रकार की कॉमेंट्री हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी सर से आई है, इन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे अगले 2-3 सालों के लिए एथेनॉल की डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी, प्लस फूड की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एथेनॉल कंपनियां बहुत अच्छी करेंगी। डेफिनेटली कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे भी फोकस रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पिक मुझे अच्छा लग रहा है वो बेसिकली एक एथेनॉल कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। कंपनी करीबन 30 मिलियन एथेनॉल कैपेसिटी डाल रही है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो FY23 के एंड में आना चाहिए। करीबन 600 करोड़ का अभी टॉप लाइन है और हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में करीबन 1,000 करोड़ की टॉप लाइन पॉसिबल है। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीबन 65 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक अच्छी बात है कि बैलेंस शीट बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी के रिटर्न रेशोज भी अच्छे हैं और करीबन 13-14 की P में मिल रहा है, जो इस मार्केट में काफी सस्ता है एथेनॉल कंपनीज को अगर हम देखें, तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा पिक रहेगा। यहाँ पे करीबन 550-600 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है अगले 12-15 महीने। राइट अविनाश, एक और खबर ये आ रही है
JSPL ने करीब 40 करोड़ डॉलर का एक अपना डेट प्री मैच्योर पे किया है, मतलब पहले से इस समय के पहले ही पे कर दिया है, और ये डेट इशू है इसका कम हो करते जा रहे हैं ये लोग धीरे धीरे। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया है मार्केट से, मार्केट ने उसको पसंद भी किया है, एकदम टाइम बाउंड वे में इन्होंने अपना डेट कम करते आए काफ़ी दिनों से। क्या लगता है इसके ऊपर, ऑलमोस्ट 500 की तरफ पहुंच गया है जिंदल स्टील एंड पावर लास्ट 2-3 हफ्तों में, इसमें क्या आपको लगता है कि स्टीम बरकरार रहेगी? अजय, मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी रीरेटिंग पॉसिबल है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट का रिडक्शन का इम्पैक्ट आएगा वो आपको पूरी तरह से FY23 में रिफ्लेक्ट होगा। जैन टू मार्च के क्वार्टर में तो शायद इसका कहीं बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं, तो डेफिनेटली अर्निंग्स को बड़ा मोमेंटम और बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन से आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइसेस अभी स्टील के चल रहे हैं वो जिस प्रकार के अभी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रशिया यूक्रेन में हुए हैं, अनुमान है कि यूरोपियन मार्केट से डिमांड काफी अच्छी तरह से इंडियन स्टील कंपनीज को बढ़ेगी और सप्लाई शॉर्टेजेस वापस आएगी, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में भी एक अच्छी तरह से पॉजिटिविटी होने की अपेक्षा है। तो मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल्स, अगर किसी को नेक्स्ट 12-15 मंथ्स का नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेटल साइकिल अभी भी काफी तेज रहेगी, और प्राइसेस अगर बढ़ती है प्लस अगर डेट रिडक्शन होता है तो जिंदल स्टील के लिए डेफिनेटली ये दोनों तरफ से एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। करीब करीब 16% चला है लास्ट दो हफ्ते में, 65 रुपये का अपमूव ऑलरेडी इसमें आ चुका है, ये मोमेंटम चल रहा है और अविनाश कह रहे हैं कि शायद ये बरकरार रहेगा, ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। दूसरी बात अरबिंदो फार्मा की, टेक्निकली तो अभिजीत फाटक ने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अविनाश अगर आप ये एनालाइज करें, काफ़ी समय से इंजेक्टेबल आर्म में वैल्यू अनलॉकिंग की बात चल रही है, हो नहीं पाया था, लेकिन फ़ायदे की बात इस समय ये है, अब जब ईटी की रिपोर्ट आई है कि ब्लैकस्टोन करीब आ रहा है इनके, कि स्टॉक 1000 रुपये वाला ऑलरेडी 500 जाके 650 आया है, क्या रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे जिस तरह की ट्रिगर्स इसमें लाइंड अप अहेड अब आपको अट्रैक्टिव लगते हैं अविनाश? देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि अगर ये ब्लैकस्टोन की डील फ्रक्टिफाई होती है तो काफी हद तक ये पैसा अगर कंपनी में आता है तो इनके लिए काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा कर्जा जो इनके बैलेंस शीट पे वो निकल जाएगा, प्लस ब्लैक रॉक जिस प्रकार का सॉलिड पी इन्वेस्टर है, इससे मार्केट में सेंटिमेंटली भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंजेक्टेबल बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में या इमर्जिंग करने में इन काफी समय लिया है, पर मुझे लग रहा है कि अगर होपफुली FY23 में ये होता है तो इस लेवल से सिग्निफिकेंट रीरेटिंग आ सकती है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी 1000 रुपीज से ये करेक्ट हो चुका है, तो करीबन 750-800 का फर्स्ट टारगेट रह सकता है, और इसमें नो डाउट कि US मार्केट में अरबिंदो फार्मा काफी बड़ा प्लेयर है, तो नेट नेट ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, और मेरे ख्याल से जैसे ही इस न्यूज को फाइनलाइजेशन मिलती है और कंपनी एनालिस्ट से कम्युनिकेट करेगी, उसके बाद आपको शायद थोड़ी और रीरेटिंग देखने को मिल सकती है।